नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10। ये प्रश्न कहता है मान लीजिए समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और दूसरा समुच्चय बी इज इक्वल टू 1, 5, 9, 11, 15, 16 और एफ इज इक्वल टू क्रमित युग्म 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 और 2, 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? पहला कथन है एफ ए से बी में एक संबंध है और दूसरा एफ ए से बी में एक फलन है। बच्चों एफ के बारे में हमें इन दोनों कथनों की जांच करना है कि क्या ये ए से बी में एक संबंध है या फिर ए से बी में एक फलन है, ये दोनों कथनों की जांच करनी है। चलिए हल करते हैं बच्चों। तो हमको दिया गया फलन है एफ इज इक्वल टू क्रमित युग्म 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। अब पहला को हल करते हैं, देखते हैं। यदि हम इस दिए गए फलन के प्रत्येक क्रमित युग्म को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? दिए गए फलन एफ के प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम घटक का समुच्चय हमें मिलता है 1, 2, 3, 4 जो कि दिए गए समुच्चय ए ही है जो सत्य है, तथा एफ के प्रत्येक क्रमित युग्म का द्वितीय घटक का समुच्चय देखिए। दिए गए फलन एफ के प्रत्येक क्रमित युग्म का द्वितीय घटक का समुच्चय क्या मिला? दूसरे अवयव को लेकर समुच्चय बनाइए, क्या क्या दिख रहा है? 1, 5, 9, 11। अब आप देख सकते हैं 1, 5, 9, 11 ये सारे के सारे अवयव समुच्चय दिए गए समुच्चय बी में हैं, मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है कि एफ के द्वितीय घटक का समुच्चय दिए गए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, अर्थात 1, 5, 9, 11 इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसका क्या मतलब है बच्चों? इससे स्पष्ट होता है कि एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात दिए गए क्रमित युग्मों का समुच्चय जो एफ के रूप में यहां पर दिया गया है वह ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। और आप पूर्व में संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी संबंध जो होता है क्रमित युग्म कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। स्पष्ट है एफ ए से बी में एक संबंध है, अर्थात पहला कथन सत्य है। आइए बच्चों दूसरा कथन देखते हैं, एफ ए से बी में एक फलन है, इसको देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें एफ के प्रत्येक क्रमित युग्मों को देखना है। अवलोकन करें आप, अवलोकन करने से स्पष्ट है इनमें से दो ऐसे क्रमित युग्म हैं। F के दो क्रमित युग्म 2, 9 और 2, 11 से स्पष्ट है कि दोनों के प्रथम घटक समान हैं। आप इन दोनों क्रमित युग्म को F से अलग करिए और देखिए दोनों का प्रथम घटक 2 है, अर्थात समान है। अर्थात 2 बिलोंग्स टू A, जबकि क्या देखने को मिल रहा है कि F ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 है और F ऑफ 2 इज इक्वल टू 11 है। F of 2 is equal to 9 and F of 2 is equal to 11 का मतलब क्या है कि प्रांत के अवयव 2 के दो दो प्रतिबिंब 9 एवं 11 हैं। इसका क्या मतलब बच्चों? फलन की परिभाषा क्या कहता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यहां पर प्रांत के एक अवयव के दो दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, अतः F A से B में एक फलन नहीं है। तो ध्यान दें बच्चों, जब भी ऐसा पूछा जाए यदि दिया गया फलन
क्रमित युग्म के रूप में दिया गया है, उनमें से ऐसा कोई दो क्रमित युग्म चुनिए या देखें, यदि उनमें से दो क्रमित युग्मों, कोई भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम घटक एक जैसे हैं, तो निश्चित रूप से वह फलन नहीं है। ये इसकी विशेष पहचान है। प्रश्न क्रमांक 11 देखे बच्चों, विविध प्रश्नवली का ही ये प्रश्न क्रमांक 11 है आपके टेक्स्ट बुक का। ये प्रश्न कहता है, मान लीजिए एफ इज इक्वल टू क्रमित युग्म ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो आप समझ लें प्रश्न से क्या दिया है हमें, एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड लिखा है। एफ जो है जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है, ये दिया है। तथा एफ किस प्रकार से परिभाषित है, एफ इज इक्वल टू क्रमित युग्म ए बी कामा ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। इसको भी हम उदाहरण लेकर के समझते हैं बच्चों। चूंकि ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हम ए और बी कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं। सुविधा के लिए मान लो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 8 लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 8 के लिए हम क्रमित युग्म बनाते हैं। ये क्रमित युग्म ए बी कॉमा ए प्लस बी रूप का है, इसलिए क्रमित युग्म मिलेगा 1 × 8, 1 + 8। सरल करने पर मिलेगा क्रमित युग्म 8, 9। ठीक है बच्चों, a बराबर 1 और b बराबर 8 के लिए क्रमित युग्म मिला 8, 9। अब हम a इज इक्वल टू 2 व b इज इक्वल टू 4 के लिए हम क्रमित युग्म लेते हैं। क्रमित युग्म ए बी कॉमा ए प्लस बी रूप का मिलेगा क्रमित युग्म 2 × 4, 2 + 4। सरल करने पर यह क्रमित युग्म मिलेगा 2 × 4, 8, 2 + 4, 6। अर्थात a इज इक्वल टू 2 व b इज इक्वल टू 4 के लिए क्रमित युग्म मिला 8, 6। अब बच्चों ये दोनों उदाहरण देखिए, पहला क्रमित युग्म आपको क्या मिल रहा है 8, 9, दूसरा क्रमित युग्म मिल रहा है 8, 6। दोनों क्रमित युग्म को गौर से देखिए, इन दोनों क्रमित युग्म का प्रथम घटक 8 है, समान है, जबकि इन दोनों के लिए प्रतिबिंब 9 और 6 है। अर्थात f ऑफ 8 इज इक्वल टू 9 और f ऑफ 8 इज इक्वल टू 6, यानी प्रांत के एक अवयव 8 के दो दो प्रतिबिंब 9 व 6 हैं। अतः यह एक फलन नहीं है। इसी प्रकार से इस विविध प्रश्नावली में और भी सवाल है बच्चों, इनको आपको इनके आधार पर समझना है और हल करना है और प्रैक्टिस करना है आपको। आइए बच्चों अब हम वास्तविक फलनों पर बीजगणित देखते हैं, अर्थात वास्तविक फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग, ये देखते हैं। यदि f such that x tends to r तथा g such that x tends to r कोई दो वास्तविक फलन है, जहां x is the subset of r, तब पहला f और g का योग, तो f और g का योग किस प्रकार परिभाषित होता है बच्चों, f प्लस जी सच दैट x टेंस टू r को f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x द्वारा परिभाषित करते हैं। दूसरा फलन f और g का अंतर, f माइनस जी सच दैट x टेंस टू r को f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से
फलन f और g का गुणन देखते हैं। f into g such that x tends to r को f into g of x is equal to f of x into g of x for all small x belongs to capital X द्वारा परिभाषित करते हैं। चौथा बीजगणित है, फलन f और g का भाग f by g such that x tends to r को f by g of x is equal to f of x upon g of x, जहां g of x is not equal to zero for all small x belongs to capital X द्वारा परिभाषित करते हैं। और पांचवा बीजगणित है, एक अदिश से दिए गए फलन f का गुणा। फलन f का अदिश अल्फा से गुणा को अल्फा इंटू एफ सच दैट एक्स इज टू आर को अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर दो वास्तविक फलनों एफ और जी पर ये पांच प्रकार के बीजगणित देखने को यहां पर मिला। आइए बच्चों, इन्हीं बीजगणित पर आधारित हम इन बीजगणित को कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 7 है जो वास्तविक फलनों के बीजगणित पर आधारित है। ये प्रश्न कहता है, मान लीजिए कि f, g सच दैट r टेंड्स टू r क्रमशः f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 कॉमा g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। तब f प्लस g कॉमा f माइनस g और f अपॉन g ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर योग, अंतर और भाग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, हमें दिया गया है f such that r tends to r, जहां f of x equal to x plus 1, तथा g such that r tends to r, जहां g of x equal to 2x minus 3। अब दिए गए फलनों को यदि गौर से देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, दोनों फलन f और g का प्रांत समान अर्थात r है, अर्थात इनका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब इस पर बीजी संक्रियाएं कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं बच्चों, योग f प्लस g का मान निकालते हैं। चूंकि f प्लस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x होता है, यहां पर f ऑफ x और g ऑफ x का मान रखें तो मिलेगा इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। इसको हल कीजिए तो हमें मिलेगा 2x प्लस x 3x और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो देयरफॉर f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकंड, f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x होता है। अब f ऑफ x और gx का मान रखें, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। इनको सरल कीजिए तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस 4। देयरफॉर f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और तीसरा भाग निकालते हैं, चूंकि f बाई g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जहां g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रहे बच्चों, ये परिमेय फलन है, भाग के रूप में है, तो निश्चित रूप से इसको परिभाषित होने के लिए हर का जो बहुपद है वो शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात g ऑफ x शून्य नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर g ऑफ x कौन सा है, 2x माइनस 3। इसका मतलब 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सरल करने पर मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 2। इसका मतलब यह फलन तब परिभाषित होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 2। देयरफॉर f बाई g ऑफ x इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री, जहां एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, अर्थात एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री बाई टू। ये जो है थ्री बाई टू को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन बातों को जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं इनको ध्यान रखते हुए टेक्स्ट बुक के उदाहरण एवं प्रश्नावली के विभिन्न प्रश्नों को आप सरल कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और जब भी परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आप हल कर सकेंगे। धन्यवाद।